भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसा शो है जहां से लड़ाई और झगड़ा ही सीखा जा सकता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिग बॉस में मैं गया जरूर था, लेकिन वहां से सीखना क्या है, झगड़ा लड़ाई, वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख कर निकले तब उसे अच्छा कहा जाए। इस समय बिग बॉस में जो लोग हैं वो अच्छा कर रहे होंगे, मैं समय ना मिल पाने की वजह से देख नहीं पाया। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है। खेसारी ने बताया कि वो कभी सीधा हाथ नहीं देखते, बल्कि हमेशा उल्टा हाथ देखते हैं जिस पर उनके संघर्ष के निशान हैं। वो बताते हैं कि लिट्टी बेचते समय उन्हें काफ़ी आटा गूंदना पड़ता था जिससे उनके हाथों पर निशान पड़ गए। खेसारी के मुताबिक वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमेशा उन्हें अपनी शुरुआती दिन याद रहे। उन्होंने कहा कि अगर वो सिंगर या एक्टर नहीं होते तो सरकारी ऑफिसर होते और लोगों की सेवा करते। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी परवरिश बेहद गरीबी में हुई है। किताबों के पैसों के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता था क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे। समस्या तो थी ही, लेकिन कोशिशें किए और जो अच्छा लगता था उसी में आगे बढ़ पाया। मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज हो रही खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई के लिए उन्होंने कहा कि ये एक प्योर पारिवारिक फिल्म है जिसके लिए लोगों को थिएटर तक पहुंचना चाहिए। साथ ही उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर हम एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन इससे थिएटर के बाहर रोजी रोटी कमाने वाले हज़ारों लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, तो आप भी जाइए और खेसारी के इस नए फिल्म को थिएटर में एंजॉय कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको उनकी नई फिल्म कैसी लगी। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरी से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।